Hello wassalam alaikum i am madam famida today i am going to teach you the seven ages of man before i am uh, which is written by william shakespeare who is he william shakespeare was born on uh, 26 april 1564 he was the english poet playwright actor he is still one of the greatest writers of all time he, he worked in the famous english global theater in that time william shakespeare paida 1564 May. वो एक प्ले राइटर हैं वो पोइट हैं और वो एक अदाकार हैं उन्होंने आ, थर्टी एट प्लेज़ लिखे ये फ़ादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैं ये फ़ादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा हैं और इन्होंने किरदार अदा किए एक्टर भी हैं ये इन्होंने आ, थर्टी एट प्लेज़ लिखे उन प्लेज़ में ट्रेजिडीज़ हैं कॉमेडीज़ हैं हिस्टोरिकल प्लेज़ प्लेज हैं रोमेंटिक प्लेज़ हैं विलियम शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर दुनिया में बड़ा नाम है उन्होंने सोनेट्स लिखी आ, उनका काम आज भी सराहा जाता है आज भी ज़बानों में ट्रांसलेट किया जाता है उनकी सोनेट्स लिखी गई वन हंड्रेड सिक्सटी फिफ्टी फोर सोनेट के दो पार्ट होते हैं छः टोटल चौदह लाइनों की होती है इसके दो पार्ट होते हैं छः और आठ छः कहते हैं आठों आठ को ऑक्टेट कहते हैं एज़ यू लाइक इट एक इसका ह्यूमरस प्ले है ये इसमें से ली गई है द सेवन एजेस ऑफ़ मैन ये स्पीच है जो स्पीच जेक्यू जो है जैक्यूज़ नाम का किरदार वो आ, पढ़ते हैं स्पीच करते हैं मोनोलॉग्यू अकेले खड़े होकर पढ़ते हैं एज यू लाइक इट एक्ट सेकेंड सीन एट से ये स्पीच द सेवन एजेस ऑफ़ मैन ली गई है और वो जेक्यूज़ इसको पढ़ते हैं वो जेक्यूज़ कहते हैं द ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज सारी दुनिया एक स्टेज है और ऑल द मैन एंड वूमेन आर मिली प्लेयर्स औरतें और मर्द एक मामूली से किरदार हैं दे हैव देयर एग्जिट एंड देयर एंट्रेंस इनको आने की जगह भी है और जाने की जगह भी है ये मामूली से किरदार हैं औरतें और मर्द वो अपना uh, किरदार अदा करते हैं इनको आने की जगह भी है और जाने की जगह भी है दे परफॉर्म वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट मुख्तलि किरदार अदा करता है कि एक इंसान अपनी जिंदगी में उसके आने की जगह भी है जाने की जगह भी है, आता है वो दुनिया में पैदा होता है एट फर्स्ट मासूम सा बच्चा होता है माउलिंग एंड द नर्स आम और अपनी माँ के या नर्स के बाहों में रोता है उल्टियाँ करता है और वो खाने की उसको कुछ पता नहीं होता सिर्फ डिमांड करता है माइनिंग वाई, स्कूल बॉय विथ से बस्ते उठाता है और शाइनिंग मॉर्निंग फेस सुबह चमकता हुआ चेहरा क्रीपिंग लाइक स्नेल और करीब आराम आराम से चलता है छोटे कदम उसकी छोटी टांगें होती हैं वे अनविलिंगली टू स्कूल स्कूल ना चाहते हुए भी स्कूल जाता है देन द लवर फिर वो लवर बनता है साइनिंग लाइक द फर्नेस उसके अंदर आग लगी होती है विद वो फुल बैलेड वो शायरी दुख भरी शायरी करता है मे टू हिस मिस्ट्रेस वो अपनी मिस्ट्रेस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है शायरी करता है वो और वो फिर वो फोर्थ स्टेज आती है एज द एज द सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट कस्में उठाता है उसको दाढ़ी आती है ऐसे जैसे शेर को दाढ़ी आती है जेलेस एंड ऑनर सीकिंग सीकिंग सडन क्विक एंड कॉरल और इज्जत की तलाश में होता है सीकिंग द पबल रिपोटेशन इवन द केनन माउस लड़ने के लिए भी तैयार होता है भले उसको तोफ के मुंह में डाल लिया जाए देन दस्टिस the फिर वो एक Uh, फैसले करता है इन राउंड वैली फेयर राउंड वैली विध गुड कैपन लाइन और वो मुर्गियाँ खाता है उसकी पेंट तो बढ़ाती है विद आई सीट बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट और उसकी आँखें गहरी हो जाती हैं उसको दाढ़ी आ जाती है फॉर्मल कट ही फुल ऑफ वॉइस सॉस मॉडर्न इंस्टेंस एंड सो ही प्लेस हिज पार्ट और उसकी समझ अकल बढ़ जाती है विजडम बढ़ जाती है और अक्लमंदाना फैसले करता है समझदार मेच्योर हो जाता है देन द दिक्थ एज शिफ्ट एन टू लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालोन वो जूतियाँ पहनता है स्लिपर और लीन उसकी कपड़े लूज हो जाते हैं विद एस्पेक्टिकल ऑन इज नोस और उसके नाक पर चश्मे आ जाते हैं पाउच ऑन साइड उसकी गोश्त बढ़ जाता है साइडों में हिज यूथफुल हॉस वेल सेव्ड उसके कपड़े लूज हो जाते हैं वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज शिरिंक शेंक उसकी हर चीज़ शिरिंक होना शुरू हो जाती है हिज बिग मेनली वॉइस व टर्निंग अगेंस्ट टू वर्ड चाइल्डिश ट्रिबल पाइप एंड विसल इन इस साउंड और उसकी फिर से आवाज़ में सीटियाँ आ जाती हैं श्रिंक होना शुरू हो जाती है फिर से उसकी कपड़े लूज हो जाए जो वेल सेव्ड थे अपनी जवानी के उसने सेव करके रखे थे वो लूज हो जाते हैं उसकी आवाज़ में सीटियाँ आ जाती हैं लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड दिसज इस इवेंट फुल हिस्ट्री उसकी जो कारना इवेंट फुल हिस्ट्री गुजरी जिंदगी की अब उसकी एंड होती है और वो आखिरी लास्ट सीन होता है इन इज द सेकेंड चाइल्डिशनेस और दोबारा बचपन आ रहा होता है मीरली विजन और वो हर चीज़ उसकी ख़त्म हो रही होती है सेन टीथ उसके दांत खत विदाउट टीथ दांत खत सेन मीन विदाउट उसके दांत खत्म हो जाते हैं सेन आइज विदाउट आइज उसकी नज़र ख़त्म हो जाती है सेन टेस्ट उसका टेस्ट जबान का ख़त्म हो जाता है सेन एवरीथिंग उसकी हर चीज़ ख़त्म हो जाती है उसका सेकंड चाइल्डलिशनेस आ रही होती है इसकी स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इसकी एंड होती है मतलब वो एंड एग्ज़िट होती है उसकी अब वो उसकी जाने का टाइम आ गया होता है और वो उसका बुढ़ापा जो आ गया होता है सेकेंड अब वो उसकी एग्ज़िट होती है थैंक यू वेरी मच बेटा